आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। ग्लोबल इंडिया टीवी पर इस वक्त की बड़ी खबर इटारसी से आ रही है। अंग्रेजों के जमाने में बना करीब 100 साल से अधिक पुराना सुखतवा नदी पर बना पुल टूटा। रविवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ हादसा। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त 128 पहिए वाला ट्राला पुल पर से भारी मशीनरी लेकर गुजर रहा था। संभवतः ज्यादा वजन न सह पाने से पुल टूटना बताया जा रहा है। हादसे में ट्राला भी पुलिस के हिस्से के साथ नीचे जा गिरा। संयोग से कोई जनहानि नहीं हुई इस घटना में। नागपुर से इटारसी जाने वाला रूट हुआ बंद। पुल टूटने से नेशनल हाईवे 69 पूरी तरह से हुआ बंद। इस पुल से इटारसी बैतुल मार्ग पर आवागमन का कोई विकल्प नहीं, जबकि इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों वाहनों की आवाजाही होती है। इस हादसे के बाद से सड़क के दोनों किनारे वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। जानकारी के अनुसार ट्राला हैदराबाद से मशीनरी लेकर इटारसी की ओर आ रहा था। इसके पीछे ही इटारसी के एक व्यापारी अक्षत अग्रवाल का टैंकर भी था। उन्होंने बताया कि अगले पहिए पुल की टूटी दीवार तक आ गए थे। टैंकर खाली था, भरा होता तो जल्दी नहीं रुक पाता। वहीं इटारसी बैतूल नागपुर हाईवे मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए विशेष संवाददाता अमर वर्मा की रिपोर्ट।